स्वागत है दोस्तों आपका फिर से आपके अपने चैनल केशव ट्यूटोरियल में। और हम पढ़ रहे हैं फार्मेसी प्रैक्टिस, ठीक है। फार्मेसी प्रैक्टिस है बी फार्मा फाइनल ईयर इन सिविल सेमेस्टर में, और डी फार्मा में यही सब्जेक्ट है इन द नेम ऑफ एससीपी हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। तो चलिए दोस्तों डिस्कस करते हैं। हम लोग आज चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 पढ़ रहे थे, जिसमें आज हम लोग चैप्टर नंबर यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे। हम लोगों ने लास्ट क्लास में बात किया था बजट के बारे में, आज की क्लास में हम बात करेंगे क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में। क्लिनिकल फार्मेसी जो है आप कम्युनिटी फार्मेसी के नाम पे इसी सब्जेक्ट में पढ़ चुके हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी वहां पे रोल ऑफ फार्मासिस्ट, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एडवर्स रिएक्शन, ये सब कुछ कॉमन है, इसमें कुछ भी नया नहीं है। इस चैप्टर से जो दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आते हैं वो मैं लिख के दे दूं, हर साल डिप्लोमा में बी फार्मा में आना ही आना है। एक है डोज एडजस्टमेंट विथ हिपैटिक फेलियर, यानी जिसका लीवर खराब हो गया उसको कैसे दवाई देनी है, कैसे डोज में आगे पीछे करना है, चेंज करना है। और दूसरा है डोज एडजस्टमेंट विथ रीनल फेलियर, किडनी फेलियर। ओके, तो ये डिस्कस करेंगे लास्ट में, लेकिन उससे पहले टॉपिक है कुछ थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कुछ भी नया इसमें नहीं है, ठीक है। सिलेबस आपके सामने दिख रहा है दोस्तों, सिलेबस आप देख लीजिए, अपना सिलेबस मैच कर लीजिए। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें देखते हैं क्लिनिकल फार्मेसी क्या होता है। देखो आपको पता है, क्लिनिकल फार्मेसी डिफाइन कर लीजिए, आपने से कम्युनिटी फार्मेसी पढ़ा था उसी तरह से क्लिनिकल फार्मेसी है। एक ऐसा प्लेस है कम्युनिटी फार्मेसी का, ऐसा प्लेस है जहां पे जो फार्मासिस्ट है जो अपने ज्ञान अपने अनुभव के आधार पर अपने फार्मेसी का प्रैक्टिस करता है, ठीक है, अपने फार्मास्यूटिकल साइंस को डील करता है, जहां पे वो अपने पेशेंट को ट्रीटमेंट करता है, रिव्यू करता है, डिस्पेंस करता है, मेडिसिन देता है, कंसल्टेंसी देता है, उस एरिया को ही कम्युनिटी फार्मेसी या क्लिनिकल फार्मेसी भी कहते हैं। दोनों में कोई खास अंतर नहीं है। स्कोप क्या है क्लिनिकल फार्मेसी का भी? क्लिनिकल फार्मेसी एक नई चीज है। पहले फार्मेसी वाले सिर्फ नौकरी क्या करते थे, बीमार कर बनते थे या मार्केटिंग करते थे या फिर प्रोडक्शन जाते थे। अब बदल गया है जमाना, अब ट्रेनिंग आपकी अलग होती है, आपको हॉस्पिटल सिखाया जाता है, आप हॉस्पिटल भी खोल सकते हैं कुछ नॉर्म्स के साथ, कुछ तरीकों के साथ, ठीक है। तो स्कोप क्या क्या है आप समझ लीजिए। स्कोप आपको पता है कि 21st सेंचुरी है, बदल गया है, आपको पेशेंट केयर में आपका फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। कोरोना ने ये चीज दिखाया करके कि भैया भैया फार्मासिस्ट का बहुत बड़ा रोल है। कुछ फंक्शन है, स्कोप आप यहाँ से देख के लिख लीजिएगा। फंक्शन से इससे पेशेंट डेटा कलेक्ट करना, ये फार्मासिस्ट काम है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, दवा दिक्कत को समझना। एस्टेब्लिश्ड आउटकम गोल्स थ्रू अ गुड थेरेपेटिक प्लान। इवेल्युएटिंग ट्रीटमेंट अल्टरनेटिव्स बाय मॉनिटरिंग एंड मॉडिफाइंग थेरेपेटिक प्लान। इंडिविजुअलाइजिंग ड्रग रेजिमेन और मॉनिटरिंग आउटकम, ये सारा का सारा काम जो है फंक्शन है क्लिनिकल फार्मेसी का, ठीक है। ड्रग थेरेपेटिक मॉनिटरिंग, ये बताया था, ये टीडीएम के नाम से पढ़ चुके हैं आप, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसको बताया था क्या होता है कि आप उसको, भाई देखिए क्या होता है, आपने दवा किसी पेशेंट को दिया, वो दवा अगर आपको याद होगा, ग्राफ बताया था मैंने इसे बेल सेफ, कि पहले दवा खाएंगे धीरे धीरे अब्जॉर्ब होगा, लेवल पे जाएगा और फिर धीरे धीरे घटना शुरू होगा। तो जो ऊपर पहुंचता है वो जो थेरेपेटिक विंडो को पार करता है उतनी देर तक ड्रग असर करती है। थेरेपेटिक विंडो के नीचे है एब्जॉर्प्शन तब भी असर नहीं करेगी, और नीचे एलिमिनेट हो जाएगी तब भी असर नहीं करेगी। ये सब आपको मैं पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, बस मैं शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूँ। तो थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग क्या है? दवा का एडजस्टमेंट इस तरह से करना, डोज की फ्रीक्वेंसी इस हिसाब से देना, डोज का इंटरवल इस हिसाब से मेंटेन करना कि जो मिनिमम कंसंट्रेशन जो हमको चाहिए दवा के एक्शन के लिए वो हमारे ब्लड में टोटल कंटिन्यू बना रहे। दिस इज थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग। ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं आपको इसी सब्जेक्ट में, आपने यूनिट 2 या 3 में पढ़ा भी है, ठीक है। ये यहाँ पे थ्योरी डेफिनेशन लिखी हुई, यहाँ पे आप इसको देख के लिख सकते हैं। 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं अगर आपको किसी पेशेंट में थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करनी है तो, उसको 3 ऑब्जेक्टिव, 3 हमारे मेन लक्ष्य होने चाहिए। पहला, टू अटेन डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ड्रग, वो दवा अपना एक्चुअल असर करे बॉडी में जो हमको चाहिए, जिसके लिए हम दवा को दे रहे हैं। मैक्सिमल इफेक्ट जो है वो ड्रग का शॉर्टेस्ट टाइम में आ जाए, कम से कम समय में दवा अपना मैक्सिमम असर करे, और रिस्क जो टॉक्सिसिटी की वो घटे, क्योंकि डोज बहुत ज्यादा हो जाएगा तो रिस्क होगा, तो आपको एडजस्ट करना है ताकि टीडीएम मेंटेन रहे, तो ड्रग का रिस्क ऑटोमेटिक यहाँ पे दोस्तों घटेगा। ये बहुत कॉमन सी बात है, ठीक है। मेडिकेशन चार्ट रिव्यू भी आप जानते क्या होता है, भाई जब कोई डॉक्टर किसी दवा को पर्चा लिखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, या फार्मासिस्ट के अंदर जब कोई नर्सेस जाती है तो डॉक्टर पूरा चार्ट बनाकर उनको देता है पेशेंट का ट्रीटमेंट कैसे करना है, तो ये दवा देनी है इतनी बार, ये दवा देनी इतनी बार, ये दवा लिखनी इतनी बार, तो उसको एक बार आप फार्मासिस्ट रिव्यू करता है। डॉक्टर ऑल्दो बहुत हमसे ज्यादा ज्ञानी हो, बहुत अच्छा लिखेगा, लेकिन फिर भी कभी कभी उनको एक साथ इतने सारे पेशेंट देखने होते हैं, इतने सारे उनके पास वर्कलोड होता है कि उनसे गलतियां हो सकती हैं। तो हम उसी प्रिस्क्रिप्शन को एक बार देख के मैच करते हैं, ड्रग को मिलाते हैं, कहीं ऐसे नहीं डॉक्टर ने दो दवाइयां ऐसे लिख दी आपस जो एडवर्स रिएक्शन कर रहा है, कि पेशेंट के एज के हिसाब से वो दवा गलत है, तो उसको रिव्यू करना ही मेडिकेशन चार्ट रिव्यू कहलाता है। आपके सामने स्क्रीन उसका डेफिनेशन लिखा है, आप उसको देख के लिख लीजिएगा। क्या गोल है मेडिकेशन चार्ट रिव्यू बनाने के? सिर्फ दो गोल है। पहला, टू ऑप्टिमाइज द पेशेंट ड्रग थेरेपी, जो पेशेंट की ड्रग थेरेपी है उसको ऑप्टिमाइज करना कि वो बेस्ट हो,
पेशेंट का ड्रग थेरेपी बढ़िया से बढ़िया हो टू प्रिवेंट द मिनिमाइज ड्रग रिलेटेड प्रॉब्लम. और जो भी ड्रग की प्रॉब्लम है, मेडिकेशन इरर है, ड्रग इफेक्ट, साइड इफेक्ट, एडवर्स रिएक्शन है, उसको कम से कम कर सके या रोक सके, मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करने का सबसे बड़ा फायदा ये है. प्रोसीजर कैसे मेडिकेशन चार्ट रिव्यू करते हैं, बहुत सिंपल भैया. एडमिशन रिकॉर्ड लीजिए, पेशेंट का पूरा फाइल उठाइए, फाइल उठाकर सारा उसको प्लान देखिए कि दवाई कौन कौन इसको पहले चल चुकी है, कौन दवाई अभी चलनी बाकी है, क्या चल रही है, क्या इसका ट्रीटमेंट इतने साल से हो रहा है, कौन कौन एंटीबायोटिक खा चुका है, कौन खाना बाकी, ये सारा डॉक्यूमेंट देख लीजिए, आपको उसका प्रोसीजर मालूम चल जाए कैसे करना है, ठीक है. और मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट मतलब क्या होता है कि जो डॉक्टर ने इसको मेडिकेशन चार्ट बना के दिया है नर्सेस को अप्लाई करने के लिए, उसको उसके ऊपर अप्लाई करना, उस चार्ट के हिसाब से पेशेंट की दवाई शुरू करना, उसको उस चार्ट पे रखना, दिस इज कॉल्ड मेडिकेशन चार्ट एंडोर्समेंट, ठीक है. तो ये एक इंपॉर्टेंट गोल है जिसके द्वारा ही हम मेडिकेशन इरर को कम कर सकते हैं, ठीक है. इसमें क्या कर सकते हैं, जो भी आपकी मोर्टिलिटी मोर्टिलिटी इस इरर से दिक्कतें होती है, फार्मासिस्ट उसको रिव्यू कर सकता है और रिव्यू करके इन दिक्कतों को आसानी से कम कर सकता है. क्लिनिकल रिव्यू क्या होता है, अभी आप जानते हैं भाई क्लिनिकल रिव्यू क्या है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें किसी भी पेशेंट पर दवा के बाद क्या असर आ रहा है, पेशेंट को दवा देने के बाद वो क्या कितनी तेजी से ठीक हो रहा है, वो कितनी तेजी से रिकवरी कर रहा है, इन सब चीजों को ध्यान देना ही क्या कहलाता है, क्लिनिकल रिव्यू का. अब इसमें गोल क्या है, ड्रग का रिस्पांस कैसा है, ड्रग का ट्रीटमेंट कैसा है, इसको आप इवेल्युएट करना पहली चीज. दूसरा, ड्रग की सेफ्टी ट्रीटमेंट को इवेल्युएट करना, प्रोग्रेस क्या है पेशेंट के अंदर उसको रिव्यू करना, क्या उसकी हालत में सुधार हो रहा है, उसकी रोज की काम जरूरत को भी मॉनिटरिंग करना, और थेरेपी की कन्वेंस को भी आप एक्सेस करना. ये सारा सारा ग्लोबल गोल है, सब बहुत छोटे टॉपिक है, सब ऑलरेडी आप पढ़ चुके दोस्तों, तो कुछ खास नहीं है. फार्मास्यूटिकल केयर क्या है, फार्मासिस्ट के द्वारा जो पेशेंट को दवाएं, कंसल्टेंसी और सुधार, और जो सलाह दिए जाते हैं, सुधारते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, वही फार्मास्यूटिकल केयर है. इसमें भी कुछ बहुत नया नहीं है, ठीक है. क्यों करते हैं फार्मास्यूटिकल केयर, क्या गोल है, आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ, आप बच्चा बच्चा जानता है, आप तो फाइनल ईयर में आ गए हो यार, ये क्यों केयर करते हैं भाई, उसका इलाज अच्छा हो, उसका दवा असर करे, उसको साइड इफेक्ट कम हो, वो पेशेंट दवाई को समझे, पेशेंट दवाई को प्रॉपरली टाइम पे ले, उसको प्रॉपर नॉलेज देना, यही सब तो हमारे गोल है, यही सब तो होता है, आपके स्क्रीन पे है, आप इसको देख के लिख लीजिए, ठीक है. चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक इसी में डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि जो आपका डोजेस, ये दो बने था, दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट. देखिए डोजेस एडजस्टमेंट समझिए क्या होता है, एक स्वस्थ व्यक्ति है, उसे कोई दिक्कत हुई, आपने उसको टैबलेट दिया, वो खाया, लेकिन दो पेशेंट, एक किडनी वाले पेशेंट और एक लीवर वाले पेशेंट. किडनी और लीवर दोनों का बहुत बड़ा रोल है हमारे शरीर में दवा का. आपने पढ़ा है ADME, एब्जॉर्प्शन डिस्ट्रीब्यूशन मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन. लास्ट के दो पॉइंट पे आइए, मेटाबॉलिज्म एक्सक्रीशन. मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, जब तक ड्रग का मेटाबॉलिज्म नहीं होता है तब तक ड्रग हमारी बॉडी में अनचेंज्ड फॉर्म में रहता है और हमारी बॉडी में ड्रग का एक्शन आता रहता है. जैसे मेटाबोलाइज हो गया, ड्रग का एक्शन आना बंद हो गया. एक्सक्रीशन, जब तक बॉडी से एक्सक्रीशन नहीं होगा ड्रग हमारी बॉडी के अंदर ही रहेगा, वो फिर से रिसेप्टर से बाइंड कर सकता है अगर वो अनचेंज्ड फॉर्म में है, मेटाबोलाइज नहीं हुआ है तो. यानी कितनी देर हमारी बॉडी में रहेगा, उसका हाफ लाइफ कितना है, कितने घंटे असर करेगा, ये डिपेंड करता है कि ड्रग का एक्सक्रीशन रेट क्या है. अगर किसी पेशेंट के लीवर में कोई दिक्कत है तो उसका मेटाबोलिज्म डिस्टर्ब होगा, और किसी पेशेंट के अगर किडनी में कोई दिक्कत है तो उसका एक्सक्रीशन डिस्टर्ब होगा. और मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन दोनों डिस्टर्ब होने के केस में वो जो दवाइयां, नॉर्मल दवाइयां उसको असर करती थी, अब वो काम करने वाली नहीं है. आपको कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा उसकी बॉडी में, उसकी दवाओं में. तो इसी को बोलते हैं डोजेस एडजस्टमेंट इन रीनल एंड हेपेटिक डिजीज. तो हम पहली बात करेंगे आज, इस क्वेश्चन आपसे पूछेगा, या तो रीनल पूछेगा तो हेपेटिक पूछेगा. लॉन्ग में क्वेश्चन पूछता है, डिप्लोमा में तो 100% आता है, अब बी फार्मा में भी क्वेश्चन आ सकता है. तो पहला हॉट टॉपिक हमारा है डोजेज एडजस्टमेंट इन द रीनल इंपेयरमेंट, जिसको किडनी की दिक्कत. कुछ बातें आपको यहां पे ध्यान रखने वाली बातें हैं, मैं आपको जो बताने जा रहा हूं पॉइंट बाय पॉइंट इसको समझ. पहला, इन पेशेंट विद रीनल फेलियर द हाफ लाइफ ऑफ ड्रग इज इंक्रीज एंड क्लियरेंस डिक्रीज इफ प्रीडोमिनेटली एलिमिनेटेड बाय द वे ऑफ स्क्रीशन. अगर किसी में किडनी की दिक्कत है तो पहली बार ड्रग की हाफ लाइफ बढ़ जाएगी. क्यों? क्योंकि उसका एक्सक्रीशन प्रॉपर नहीं हो रहा तो ड्रग हमारी बॉडी में लंबे समय तक रुकेगा और हाफ लाइफ उसकी बढ़ेगी और क्लियरेंस जो है वो घटेगा. क्लियरेंस मतलब होता है ब्लड से जो ड्रग का रिलीज होना है वो घटेगा, हो ही नहीं रहा तो क्लियरेंस टाइम में हमारा घटेगा. इसलिए हेंस डोजेज एडजस्टमेंट शुड टेक इन अकाउंट द रीनल फंक्शन ऑफ द पेशेंट एंड द फंक्शन ऑफ अनचेंज ड्रग स्टेन यूरिन. यानी जब भी किसी पेशेंट का ऐसे इलाज करिए तो पहले उसका यूरिन का सैंपल लीजिए, उसमें देखिए कि उसके यूरिन में कितना ड्रग का कंसंट्रेशन अनचेंज्ड फॉर्म में आ रहा है. अनचेंज का मतलब है ड्रग यूटिलाइज नहीं, मेटाबोलाइज नहीं हो रहा है, यानी किडनी उसका काम नहीं कर रहा है. उसी के हिसाब से आपको ये मालूम चलेगा कि उसका किडनी कितने परसेंट काम कर रहा है.
उसकी किडनी का काम कितने परसेंट कितना काम कर रहा है, उसी के हिसाब से आपको डोज का एडजस्टमेंट करना है, ठीक है। देर आर टू एडिशनल मेथड्स फॉर द एडजस्टमेंट इन रीनल डेफिशिएंसी, वीडी चेंज एंड, ठीक है, जनरल वीडी होता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारी बॉडी में जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग है वो चेंज होगा तो उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। क्या क्या आपको चीज देखनी होगी, जनरल अप्रोच क्या क्या है? पहला, नो चेंज इन डिजायर टारगेट प्लाज्मा कंसेंट्रेशन, कि हमारे जो ड्रग का प्लाज्मा कंसेंट्रेशन है, ड्रग का जो हम दे उतना ही रहे, उसमें कोई चेंज नहीं करना है। पता चला उसको पहले 500 मिलीग्राम रख दे, उसको 1000 मिलीग्राम दे दे, नहीं, प्लाज्मा कंसेंट्रेशन को हमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं करना है, पहला एडजस्टमेंट है। दूसरा, डिमिनिश्ड रीनल क्लियरेंस बट अनचेंज नॉन रीनल क्लियरेंस, हमें देखना है कि जो ड्रग का क्लियरेंस है वो किडनी से कितना घट रहा है और नॉन किडनी से जो एक्सक्रीशन होता है उससे कितना डिफरेंस आ रहा है, दोनों में कितना चेंज आ रहा है। अनअल्टर्ड ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इन द रीनल इंपेयर्ड लिवर, किसी भी पेशेंट में जो ड्रग रेडी एक्सक्रीट हो रहा है उसमें कितना प्रोटीन बाउंडेड है और कितना नॉन प्रोटीन बाउंडेड है, वो भी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हमको चेक करना है। और ड्रग का एब्जॉर्प्शन जीआईटी में कितने परसेंट हो रहा है ये भी चेक करना है। ये चार बातों को चेक करके ही हम किसी भी रीनल और रीनल किडनी के पेशेंट में ड्रग का एडजस्टमेंट दोस्तों यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आगे बात कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे ये हो गया हमारा रीनल पेशेंट के साथ। अब हम देखते हैं कि तीन मेजर अप्रोच क्या क्या है, सॉरी थोड़ा सा देर हुआ, तीन अप्रोच क्या है, तीन अप्रोच के द्वारा हम रीनल पेशेंट में एडजस्टमेंट कर सकते हैं। पहला, टोटल बॉडी क्लियरेंस के आधार पर। दूसरा, हाफ लाइफ और एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के आधार पर। तीसरा, रीनल फेलियर के डोज एडजस्टमेंट के आधार पर। तो डोज एडजस्टमेंट करके जिसकी बॉडी में टोटल बॉडी क्लियरेंस हिसाब से करेंगे। एक फॉर्मूला काम करता है यहाँ पे, CSSAV इक्वल टू FXO/CLT, ये फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के हिसाब से आपको डोज कैलकुलेट करना है पेशेंट का और देना है। अब ये फॉर्मूले में ये क्या क्या है, जो CSS है ये है कांस्टेंट एंड स्टेडी स्टेट, यानी इसको स्टेडी स्टेट होता है जब ड्रग में कोई ड्रग डाल दिया और स्टेडी स्टेट में चल रहा है, मानते हैं कि ड्रग एक नॉर्मल रेट से एब्जॉर्ब हो रहा है। तो वहां पे जो AV है ये क्या है हमारा, ये ड्रग कंसेंट्रेशन है, एवरेज ड्रग कंसेंट्रेशन। AV मतलब एवरेज, C मतलब कंसेंट्रेशन, SS मतलब स्टेडी स्टेट, यानी इट इज द एवरेज ड्रग कंसेंट्रेशन एट स्टेडी स्टेट, ठीक है। जहां पे आगे हम बात करेंगे, XO जो है ये हमारा फंक्शन ऑफ मेंटेनेंस डोज है, कि कितना हमको मेंटेनेंस डोज देना है। F क्या है, एब्जॉर्प्शन, कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है। CL क्या है, क्लियरेंस, और T क्या है, टाइम ऑफ द ड्रग, ये क्लियरेंस। इस फॉर्मूले पे रख करके हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमको कितना कांस्टेंट डोज देना है पेशेंट को, घटाना है कि बढ़ाना है, अगर हमको ये चीजें पड़ती। दूसरा, अगर हम किसी एलिमिनेशन रेट और हाफ लाइफ के बेसिस पे ड्रग का एडजस्टमेंट करें, ये भी एक मैथमेटिकल टर्म है, यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे, CSSAV इंटू 1 इंटू 1.44 FXO0 T half BDR, ओके, जहाँ पे CSAV का एवरेज ड्रग कंसेंट्रेशन एंड स्टेडी स्टेट है, 1.44 कांस्टेंट है, F आपको पता है अभी भी ये एब्जॉर्प्शन है, कितना एब्जॉर्ब हो रहा है। XO जो है आपका मेंटेनेंस डोज है, कितना डोज हमको देना चाहिए, T half हाफ लाइफ है, VD वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, VD जो है दोस्तों ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मेंटेनेंस डोज के हिसाब से हम कितना डोज पेशेंट को देना चाहिए इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। और तीसरी है डिजीज स्टेट है, भाई पेशेंट को कौन सी बीमारी हुई इसको पता करना है। अगर उस पर ड्रीनल डिसफंक्शन है तो उस हिसाब से हमको दवाइयां चेंज करनी पड़ेंगी। और इसको यूरिनिया है, यूरिनिया मतलब होता है कि बहुत ज्यादा एक्सेस अमाउंट में यूरिन बाहर निकल रहा है, पानी निकल रहा है, बॉडी में वाटर कमी हो रही है, तो उस हिसाब से हमको ड्रग देनी है। ये चीजें आपको थोड़े यहाँ पे ध्यान देनी, तो ये हिसाब से हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बात करते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डोज विद हेपेटिक इंप्लांट। अगर किसी को लीवर में दिक्कत, यहाँ पे कोई कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, अगर किसी पर्सन की लीवर में कोई दिक्कत है, क्योंकि हमें पता है दोस्तों लीवर ही एक ऐसा प्रॉब्लम है जिसे जहाँ ड्रग पर डिस्पोजिशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, सारे एंजाइम्स होते हैं मेटाबॉलिज्म के, अगर यहाँ पे दिक्कत आएगी तो ड्रग का मेटाबॉलिज्म रेट भी डिस्टर्ब होगा। तो द अल्टर्ड रिस्पॉन्स ऑफ ड्रग इन लीवर डिजीज कुड बी ड्यू टू डिक्रीज मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, हेपेटोसाइट इंपेयर्ड, बाइलरी एलिमिनेशन, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, यानी हेपेटोसाइट खराब हो गए, बाइलरी एलिमिनेशन हो गया, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसी भी कारण से अगर लीवर में कोई दिक्कत है तो मेटाबॉलिज्म का रेट ऑटोमेटिक घटेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, इंपेयर्ड हेपेटिक ब्लड फ्लो, अगर ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं हो रहा है, लीवर में जो ब्लड का फ्लो हो रहा है वो नहीं हो रहा है, तो बायलिबिलिटी घटेगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो इस केसेस में भी आपको बॉडी में डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्रीज प्रोटीन बाइंडिंग हो रही है, भाई लीवर में प्रोटीन बाइंडिंग जो हो रही है, अगर वो प्रोटीन बाइंडिंग डिक्रीज है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से, फेनिटोइन वगैरह कुछ ड्रग है जिसकी प्रोटीन बाइंडिंग कम हो गई, आपका एल्ब्यूमिन जो प्रोडक्शन हो रहा है लीवर से वो कम हो गया, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो ड्रग का है वो घट गया, तो इन सबसे भी आपको डोज एडजस्टमेंट करना पड़ेगा।
ओडिमा हो रहा है, नहीं लीवर में सूजन आ गया है, तो उससे क्या होता है वहां पे फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा। जब फ्लूड इकट्ठा हो जाएगा तो उसे एस्टिल सैलिसिलिक एसिड है, आइबुप्रोफेन है, प्रेडनिस, नोरडाइसो, इन सब दवाओं का जो इन सब दवाओं को ज्यादा खाने से लीवर में सूजन आ सकती है। ठीक है, कुछ ड्रग है जिसमें जिससे लीवर का डिस्फंक्शन हो रहा है, लीवर डिटर्मिनेशन हो रहा है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट घट रहा है, इंसुलिन क्लियरेंस और ये सब चीजें हो रही है। तो हम लीवर हमारा कितना काम कर रहा है, लीवर के फंक्शन को हम दो टेस्ट से चेक कर सकते हैं, एक इंसुलिन क्लियरेंस टेस्ट है और क्रिएटिन के लिए क्लियर से, और इस तरह से हम ड्रग का एडजस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों थैंक यू सो मच, दोस्तों हम लोगों ने ये चैप्टर नंबर 2 भी खत्म कर लिया है जिसमें से दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट था मैंने आपको बता दिया, बाकी टॉपिक इंपॉर्टेंट है लेकिन ऑलरेडी इसको हम पढ़ चुके हैं पहले के चैप्टर से। तो इस यूनिट नंबर 4 में चैप्टर नंबर 2 भी खत्म कर लिया, चैप्टर नंबर 3 का लास्ट टॉपिक है ओटीसी ओवर द काउंटर, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसको खत्म करेंगे और फिर आपसे चैप्टर को नंबर 4 को खत्म करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।